Hello my dear students, this is Rupali teacher and you are watching my channel. Children, today we are going to see a lesson of English Bal Bharati textbook of standard 4th and the name of the lesson is Ryokan and the starfish. See, Ryokan is a Japanese name, okay? It may be possible that your teacher is pronouncing it in a different way, okay? So here I am saying it as Ryokan, okay? Your teacher might say it as Ryokan, whatever they feel comfortable or whatever they have understood in their education. Okay, children? And I'm going to pronounce it as Ryokan and the starfish. So let's start. I hope aap log sab enjoy kar rahe ho. Abhi hamara academic year 4th standard ka last month chal raha hai. Okay? Iske baad kya hoga? We are going to have exam and then finally a vacation will start. Online tension khatam ho jayega, exams ka tension khatam, online studies lectures attend karne ka tension khatam. So let's start the video without any further delay. Children, we will first start with give meaning. This you have to remember that whatever questions and answers are there, give meanings are there, that you have to remember very very clearly, okay? This can come in the exam. So let's start. It is a poem, right? It's a poem, so please be careful. Give meanings. First is give meanings. What is the meaning of a monk? Monk ka matlab kya hota hai? Monk, jaise ki Hindi mein hum bol sakte hain pandit, okay? जो स्पिरिचुअल होता है, रिलीजियस होता है. हम लोग देखते हैं ना कि कोई कोई इंसान जो है भगवा कलर का, गेरुआ कलर का धोती पहनता है या वाइट कलर का पहनता है और बिना चप्पल के रहते हैं वो लोग. दे आर कॉल्ड एज अ मॉन्क. ओके, अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप ऑफ मेन हु लिव अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल एंड डू नॉट मैरी. ये लोग शादी भी नहीं करते. ये एक रिलीजियस ग्रुप के मेंबर होते हैं. दे डोंट मैरी एंड दे लिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ. एक अलग तरीके की लाइफ स्टाइल होती है. आप लोगों ने देखा भी होगा, बुद्धिज़्म में मॉन्क होते थे, राइट? वो लोग शादी नहीं करते थे, अकेले रहते थे अलग तरीके से. सो दैट इज़ मॉन्क. द नेक्स्ट मीनिंग इज़ कैलीग्राफर. आप लोगों ने कैलीग्राफी तो सुना ही होगा. इट इज़ अ राइटिंग स्टाइल, नो? सो a person who practices the art of fine handwriting is called as calligrapher. Calligraphy is a art of writing. जो बहुत stylish letters बनाते हैं ना, alphabets बनाते हैं बहुत style में अलग अलग तरीके के, उनको क्या बोलते हैं? Calligrapher. Ashore. Ashore मतलब किनारे पे, okay? Washed ashore मतलब किनारे पे चला गया. So here on the shore एक किनारे पे. सी साइड में क्या होता है? सी साइड पे अशोर होते हैं, समुद्र के किनारे. ओके चिल्ड्रेन, नाउ क्वेश्चन नंबर टू हियर इज राइट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रियोकान एंड पिक अप अनदर फिश. सो व्हाट इज रियोकान हियर? सब्जेक्ट. रियोकान इज सब्जेक्ट. द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर. वेयर इज द सब्जेक्ट? स्टॉर्म. He was walking on the beach. What is the subject here? He is the subject. Children, always remember, this is a grammar part. So, अगर आपको subject and predicate नहीं आता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए पहले आप लोग subject and predicate prepare करिए, फिर इस question को solve करिए. हो सकता है आपके school में आपकी teacher ने अलग exercise दी हो. So, depend करता है. Fine. मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिया है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल लेसन. यू ऑल नो दैट वेरी वेल. ओके, व्हाट डिड रियोकान सी ऑन द बीच? ऑन द बीच रियोकान सॉ हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश दैट हैड बीन वॉश्ड अशोर इन अ स्टॉर्म. रियोकान नाम का आदमी था, उसने क्या देखा कि बहुत सारे स्टार फिशेस हैज़ बीन वॉश्ड अशोर, समुद्र के किनारे जा चुके हैं. ओके, मरे हुए स्टार फिश बहुत सारे समुद्र के किनारे फैले हुए हैं. व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? रियोकान पिक्ड अप द स्टार फिश वन बाय वन एंड थ्रू देम बैक इनटू द सी. उसने क्या किया?
एक एक करके स्टार्सफिश को उठाया और वापस से समुद्र के अंदर फेंक दिया, सी के अंदर फेंक दिया, सो दैट अगर उसमें से कोई अलाइव है, जिंदा है, मरा हुआ है, अगर जिंदा है तो ऑफकोर्स दे विल सर्वाइव, अगर मरा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते. सो वॉट डिड ही मीन बाय इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस लिटिल फिश? इट मीन्स दैट इफ इट थ्रोज द फिश बैक इन टू द सी इट विल लिव, इफ ही डज नॉट हेल्प द फिश इट विल डाई. सो दिस एक्शंस विल मेक अ बिग डिफरेंस टू द फिश दैट हैज़ बीन ही हैज़ हेल्प्ड. सो जितने भी फिशेज अलाइव हैं, ओके, इफ दे गो बैक टू द सी दे विल सर्वाइव, दे विल लिव, ओके, एंड ही इज डूइंग अ गुड थिंग. ओके, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अच्छे कर्म, गुड कर्माज. सो ही विल बी हैप्पी. जब हम लोग किसी की हेल्प करते हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं ना. सो दिस एक्शन विल मेक अ बिग डिफरेंस टू द फिश दैट ही हैज़ हेल्प्ड. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस वे वॉट डिड वी लर्न, वी लर्न Ryokan and the starfish questions and answers. I'm very sorry, there is little bit of problem. Okay, now again I'm scrolling down from the top to bottom. Very small and very simple lesson. Good luck children, all the best for your exams. I love you all. Please keep watching my videos and supporting me. I am highly grateful to all of you. Stay happy, stay